वैसे तो आए दिन हम अपने पैसों को बचाने की बात करते हैं, बट साथ ही साथ घर के बहुत ही ऐसे यूजफुल चीज जो हम सोचते हैं कि बेकार है उसे एज इट इज फेंक भी देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती कुछ ऐसी वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके घर में पड़े हुए बेकार के आइटम से ही घर को सजाने का डेकोर आइटम प्लस बहुत ही ऐसे यूजफुल चीजों को बना के दिखाऊंगी जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और अपने कबाड़ को जुगाड़ में ला सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। चलिए आज के ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला यूजलेस आइटम है इस तरह का फूड कंटेनर जिसे हम या तो एज इट इज यूज करते हैं या हम इसे फेंक देते हैं, बट आप इसी फूड कंटेनर से आप अपने घर में बहुत सारा स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। क्या करेंगे कि इसके बीचों बीच इस तरह से पहले मार्कर से हम मार्क कर लेंगे ताकि हम इसे सही तरीके से काट सके। आप देख सकते हैं कि मार्कर के हेल्प से मैंने चारों तरफ इसे इस तरह से निशान दे दिया है और अब इसके ढक्कन को हम खोल देंगे और सीजर के हेल्प से इसे दो भागों में हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से इसका जो डब्बा है उसे भी हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह के फूड कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में इस तरह के डीआईवाई को ट्राई कर सकते हैं। और अब आधे आधे डब्बे में हम आधा आधा ढक्कन लगा देंगे। सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है बट ये मैं बहुत ही यूजफुल चीज आपके घर के लिए बता रही हूँ। और इसके ढक्कन को हम यहाँ पर हॉट ग्लू गन के हेल्प से अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। तो अब आप पूछेगा कि इसका क्या काम है, तो इसका काम आपके फ्रिज में है। मेरा फ्रिज तो काफी ज्यादा छोटा है जिसमें मुझे सामान रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जिस तरह से हम अपने घर में वर्टिकल स्पेस को यूज करते हैं अपने सामान वगैरह को रखने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर मैं फ्रिज का भी वर्टिकल स्पेस को यूज करूंगी अपने सामानों को रखने के लिए। इसमें बहुत ज्यादा सामान तो नहीं आएंगे बट जितना हमारे घर में मिर्च, नींबू, अदरक वगैरह आते हैं ये उन चीजों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से हमने किया है। अभी मेरे घर में कम टमाटर थे तो यहाँ पर मैंने टमाटर को रख लिया है। और इस तरह से आप अपने फ्रिज के भी वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड डीआईवाई की तरफ। तो मेरा दूसरा कबाड़ है इस तरह का कैन का डब्बा। ये वाला कैन का डब्बा आप रसगुल्ले का डब्बा यूज कर सकते हैं, आप छोटे बच्चों के दूध के जो डब्बे होते हैं वो डब्बा यूज कर सकते हैं। तो बस आपको कैन लेना है और इसे व्हाइट एक्रेलिक कलर से पूरी अच्छी तरह से कवर कर देना है। यहाँ पर मैं स्पॉन्ज का यूज कर रही हूँ और जब ये कलर हो जाए तो इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले लिया है और मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा निकाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पाउडर का यूज करेंगे ताकि हमारे हाथों में मोल्डेड क्ले चिपके नहीं। और अब मेरे पास इस तरह के सर्कल शेप के कुछ कटआउट्स हैं। आप यहाँ पर कोई भी सर्किल ले सकते हैं, किसी का डब्बा ले सकते हैं, एक्रेलिक कलर का ढक्कन ले सकते हैं और बस उसके चारों तरफ मैं फेविकॉल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह के शेप का यूज इसलिए किया है ताकि मैं अपने डीआईवाई को एक परफेक्ट लुक दे सकूँ। अब जो हमने सर्किल बनाया उसके फेविकॉल के ऊपर हम मोल्डेड क्ले को लगा देंगे और इसे इस तरह से कट करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो एक और सर्किल हम बनाएंगे इस तरह से, सेम वही प्रोसेस रहेगा। फेविकॉल के ऊपर हमें मोल्डेड क्ले को लगाना है। तो ये एक चश्मे का लुक आ जाएगा। अब इसके नाक और चश्मे के जो बीच वाला भाग होता है वो हम बना रहे हैं। अब बस देखते जाइए ये मैं कैसे कर रही हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। मैं अपने डीआईवाई को इसलिए आसान रखती हूँ ताकि जो बिगनर्स हो वो भी इसे आसानी से बना सके और जो आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रो हो वो तो इसे मिनटों में बना ले। नाक बनाया है मैंने और नाक में इस तरह से इसे इंसर्ट करेंगे तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अब हमने जो इसका 3D लुक दिया है, इस 3D लुक को मैं थोड़ा सा कलर कर रही हूँ। थोड़ा सा पीच कलर का यूज़ किया, ब्लू में वाइट कलर को मिक्स करके एक बहुत ही अलग कलर बनाया है और इसे मैं पूरी अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। उसके बाद मैंने सबसे पहले एक लिप का आउटलाइनर बनाया है विद द हेल्प ऑफ पेन। थोड़ा सा पहले पेन से कर लेती हूँ ताकि इसमें मैं कलर आसानी तरीके से भर सकूँ। लिप को हमने रेड कलर से कलर कर दिया है। और थोड़ा सा इसमें ब्लश डाल रही हूँ पिंक कलर लगा के। थोड़ा सा अपने हाथों से यानी फिंगर से इसे टैप करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लश का लुक आ जाएगा। तो हमारा बेकार सा कैन बहुत ही खूबसूरत एक होम डेकोर आइटम बन के तैयार है।
वार्निश का यूज करेंगे इसे अच्छी तरह से ग्लो करने के लिए और इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए। अब इस कैन को आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं, आप इसमें नेचुरल प्लांट लगा सकते हैं। नेचुरल प्लांट लगाए तो इसका ड्रेनेज आप नीचे बना ले, अदरवाइज आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका एक और यूज़ है कि आप इसमें बच्चों के स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे डाइनिंग स्पेस पे यूज़ कर सकते हैं, कटलरीज वगैरह रख ले। तो जो चीज़ आपके घर के लिए ज़रूरत है आप इस होम डेकोर को यूज़ करके उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि ये घर के हर लुक में बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY जो मैं बना रही हूँ ये हम लेडीज के लिए वरदान है। क्या होता है कि हम लेडीज के पास बहुत सारे लेगिंग्स रहते हैं, कुछ के रंग उड़ जाते हैं, कुछ का कमर ढीला हो जाता है, कुछ की रबड़ चल जाती है और अब क्या हो गया कि लेगिंग्स आउट ऑफ द फैशन भी हो चुका है। तो मेरे पास भी इस तरह के लेगिंग्स था, रबड़ चली गई है और क्या करेंगे इसका एक तरफ हम इस तरह से कट कर लेंगे, यानी लेग्स का जो हिस्सा होता है पैरों का हिस्सा उसका हिस्से हम कट करेंगे और इसे इस तरह से अच्छी तरह से करके हम यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 इंच का गैप रख के इसे इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही आसान DIY, ना तो आपको सिलाई मशीन का यूज़ करना है ना तो आपको स्टिच करना है, बट ये जो DIY आपको बन के आएगा ये आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये एक तरफ हमने अच्छी तरह से कर लिया है, अब दूसरे पैर को भी सेम तरीके से करेंगे, सिर्फ हम इसे कट करते जाएंगे। अब एक हिस्से के ऊपर यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन लगाया है और इसी के ऊपर दूसरे हिस्से को चिपका दिया है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी स्टिक ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरह का प्लास्टिक स्टिक पड़ा हुआ था, अगर आपके पास इस तरह का स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी मोटी लकड़ी का यूज कर सकते हैं, कोई भी डंटल का यूज कर सकते हैं या कभी कभी वाइपर का जो हिस्सा टूट जाता है उसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हॉट ग्लू गन के हेल्प से इसे हम इसमें अच्छी तरह से रोल आउट कर लेंगे। तो ये हमारा विदाउट एनी कॉस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही किफायती डस्टर बनके तैयार है। लेगिंग्स के कपड़े से जब आप क्लीनिंग करेंगे तो जितनी भी धूल गंदगी होगी वो कपड़े में चिपक जाएगी और आपका घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हम मार्केट में बहुत सारे डस्टर देखते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा हमारे घर के लिए सही है, कौन सा माइक्रोफाइबर कपड़ा है, कौन सा नहीं है। तो इतने सारे झमेलों से बिल्कुल दूर भागिए और घर पे ही पुराने लेगिंग से इस तरह के डस्टर को आप इजिली बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये सारे आइडियाज पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी अपने घर के कबाड़ से जुगाड़ बनाने में यूजफुल हो। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।